डांस इंडिया डांस अने सारेगामा पा जेवा शो बाद हवे जीज टीवी एक नवो टेलेंट शो लईने आवी रह्यो छे अने आ टेलेंट शोना बे स्पर्धकों आपणी साथे उपस्थित छे। जी सबसे पहले तो ये बताइए कि जी टीवी एक नया शो लेकर आ रहा है, क्या कहेंगे इस शो के बारे में? जी बहुत बढ़िया रियलिटी शो है। हम जैसे कलाकारों को मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने के लिए और अभी तक जितने एपिसोड्स आए हैं सब काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं और काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग बोल रहे हैं और मेहनत करो, जी जान लगाओ और जीत कर आओ। तो बहुत खुशी है कि इतना अच्छा रियलिटी शो निकाला है जी टीवी ने और हम जैसे कलाकार जो जो कि बहुत कोशिश करते हैं सामने आने के लिए, हमें एक मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का और इसका सबूत यहाँ पर अजरबैजान से हमारे पास एक बहुत अच्छी कलाकार आई हैं। तो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। जी बॉलीवुड इसलिए क्योंकि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें पंजाबी भी है, बंगाली भी है, सब लैंग्वेजेस आ जाती हैं। हालांकि मैं रहने वाला पंजाब का हूं पर मैं हिंदी फिल्में बहुत चाव से देखता हूं और पंजाबी फिल्में भी देखी हैं मैंने। तो हालांकि मैंने एक छोटी पंजाबी फिल्म भी की हुई है, राजस्थानी फिल्म भी की हुई है, तो मैं लैंग्वेजेस का मुझे इतना वो नहीं है, पर हाँ ये है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखते देखते हिंदी जो फिल्में होती हैं उन्हें देखते देखते पला बड़ा हूँ। तो सपना है कि हिंदी फिल्मों में आऊँ और वही कोशिश है और पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जी। अच्छा उक्सन, आप खास करके आउट ऑफ इंडिया से हो तो आपका सफ़र अब तक का कैसा रहा? हाँ एक्चुअली मेरा देश बहुत दूर है फ्रॉम इंडिया, अजरबैजान। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड लेकिन छोटा प्लेस है। बॉलीवुड पूरा दुनिया में मतलब सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड क्या है और इतना मतलब वर्ल्ड है कि सब लोग, मुझे से लगता है कि हर लड़की हर लड़का चाहती है कि दिल में कि कभी कभी मैं भी एक्टर बनना चाहिए कि हाँ कि शाहरुख खान के साथ मतलब मूवी में प्ले करती थी करूँगी। और ऑफ कोर्स मेरा मैं भी मुझे भी ऐसा करना ऐसा तमन्ना थी आरजू था कि कभी भी बॉलीवुड ये मौका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एंड हम लोग के लिए मौका है कि आप एक डांसर बनना चाहती है। अगर बॉलीवुड में कोई एक आइटम सॉन्ग की आपको एक ऑफर मिले तो आप क्या आइटम सॉन्ग करना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, आइटम सॉन्ग के एक्चुअली ये तो मैं डांसर हूँ और कथक और बॉलीवुड डांसर, तो मेरे लिए आइटम सॉन्ग भी पार्ट मतलब ये भी पार्ट है बॉलीवुड का पुरानी दुनिया से ना। हाँ ये हुआ क्यों नहीं। एंड मैं एक बात बताऊँ कि एक बोलना चाहती हूँ कि अ लॉट ऑफ एक्ट्रेस मतलब लाइक लारा दत्त, शी स्टार्टेड फ्रॉम आइटम या शी स्टार्टेड फ्रॉम आइटम, लेकिन ये तो शिल्पा शेट्टी भी, सो अ लॉट ऑफ एक्ट्रेस स्टार्टेड फ्रॉम आइटम सॉन्ग, सो ये मतलब क्यों नहीं। તો આ હતા જી સિને સ્ટાર ખોજના બે સ્પર્ધક, જેઓએ આ શો વિશે આપણે રસપ્રદ વાતો કરી, ત્યારે જોવું જ એ રહેશે કે જી ટીવીનો આ શો કેટલા હદે સક્સેસ રહે છે। કેમેરા પર્સન રક્ષિત પંડ્યા સાથે સત્યમ મનસોરા, નિર્માણ ન્યૂઝ, રાજકોટ।